दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं पीबीएस स्मेयर क्या होता है या पेरिफेरल स्मेयर क्या होता है, यह टेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या क्या इसके अंदर हम जांच कर सकते हैं, कैसे करते हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों जो पीबीएस उसका होता है, पीबीएस को हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी बोलते हैं या ब्लड फिल्म के भी नाम से जाना जाता है। जब भी कभी आप सीबीसी का टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर पीबीएस पे उसको कंफर्म करते हैं, यानी कि पेरिफेरल स्मेयर पे कंफर्म करते हैं और फिर आपकी रिपोर्टिंग को देखते हैं। तो पीबीएस का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पीबीएस होता है एक ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है और इसको हम कांच के ग्लास के स्लाइड पे, यानी कि ग्लास के जो स्लाइड होते हैं उस पे हम ब्लड के थोड़े से एक नमूने को लेके एक स्मेयर बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं और फिल्म बनाने के बाद से फिर उस पे हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इसके कितने अमाउंट मौजूद है, उसके आरबीसी के कलर क्या है, उसके शेप में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, दिखने में कैसे दिख रहा है, सही शेप में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें एक पीबीएस पे हम पता करते हैं और फिर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ जब आप पीबीएस का टेस्ट करते हो तो उसमें कुछ ऐसे पैरासाइट भी होते हैं जिसको देखा जाता है, जो कि पीबीएस से ही पता चलता है, जिसमें आप देख सकते हो मलेरिया पता किया जाता है, आप उसके बाद से फाइलेरिया करके जो टेस्ट होता है, फाइलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है वह देखा जाता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को अगर ल्यूकेमिया अगर हुआ है तो कौन से टाइप का ल्यूकेमिया है यह देखने की जरूरत पड़ती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, उसके शेप कैसा है या कौन से टाइप में वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में आपके शरीर में जो व्हाइट ब्लड पेशी है उसका आकार क्या है, ये सारी चीज़ें जांचने के लिए पीबीएस का टेस्ट किया जाता है। कई तरह के एनीमिया होते हैं जो कि पीबीएस से हम पता कर सकते हैं कि पेरिफेरल स्मेयर पे हम एनीमिया को भी जांच के और आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइप के एनीमिया हो चुकी है। तो हम ये जान लेते हैं कि पीबीएस स्मेयर कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों कांच के स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है, एक ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है और छोटे से एक नमूने लेके हम उसको स्मेयर करते हैं और स्मेयर बनाने के बाद से, यानी कि स्लाइड बनाने के बाद से स्प्रेडर की सहायता से, अगर जिसको पता नहीं होगा कैसे हम स्लाइड बनाते हैं तो इस टॉपिक पे वीडियो है चैनल के ऊपर, जाके आप देख सकते हैं। और फिर स्लाइड बनाने के बाद से उसको हम स्टैन किया जाता है, क्योंकि पीबीएस का जो स्टैन होता है दोस्तों वह चार तरह के स्टैन से स्टैनिंग किया जाता है, जिसमें पहला आता है जेनिन स्टैन, व्हाइट स्टैन, लिस्मन स्टैन और जिम्सा स्टैन। लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलित में है, जो स्टैन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है पीबीएस के लिए, तो वह होता है लिस्मन स्टैन, क्योंकि लिस्मन स्टैन करने के बाद से आप उस स्लाइड पे, यानी कि उस स्मेयर पे, उस ब्लड फिल्म पे आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के बारे में पूरी तरीके से आसानी से आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो। तो स्टैन करने के बाद से फिर डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, या जो भी व्यक्ति अगर सीबीसी का टेस्ट कराता है और आपके सीबीसी में अगर कुछ अबनॉर्मल लगता है तो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए ब्लड फिल्म का प्रिपेरिंग कराता है और कराने के बाद से फिर उस पर पता किया जाता है कि एक्चुअली में जो आपके मशीन ने जो रिजल्ट बताया है, यानी कि आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की संख्या अगर कम है या यूसिनोफिलिया बढ़ गया, न्यूट्रोफिलिया बढ़ गया, डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ गया, तो आप उस पीबीएस स्मेयर पे आसानी से पता कर सकते हैं कि हाँ सच में उस पेशेंट की करंट जो स्थिति है, जो पीबीएस स्मेयर पे जो आरबीसी की स्थिति है, जो हीमोग्लोबिन की स्थिति है, वो करेक्ट उस पर पता कर सकते हैं। तो जो पीबीएस स्मेयर है इसमें यही सारे टेस्ट किया करने की आवश्यकता होती है और किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।